आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको वर्ल्ड लाइव कैमरा इस्तेमाल करना, इसको यूज करना नहीं आता है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप वर्ल्ड लाइव कैमरा को कैसे आप यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में सारा जानकारी दूंगा जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से वर्ल्ड लाइव कैमरा को यूज कर सकते हैं। सुगाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बेल के बटन प्रेस करते ही उसको ऑल कर दीजिए। ऑल करने से यह होगा कि मेरा जो वीडियो मैं पर डे अपलोड करता हूँ तो बिना कहीं रुके डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको ऑल कर दीजिए। ऑल करने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप जो है लाइव कैमरा को यूज करना नहीं आता है तो बहुत ही इजी तरीका से ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। जैसे एयरपोर्ट पे पब्लिक के लिए कैमरा लगा हुआ है तो उसको आप कैसे देखेंगे, अगर पब्लिक प्लेस में लगा हुआ तो उसको कैसे देखेंगे, अगर कोई भी कंट्री पब्लिक के लिए कैमरा लगाए हुए हैं तो उसको आप कैसे लाइव देखेंगे, मैं आपको इस वीडियो में वो सारा तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप दुनिया भर में जितने कंट्री है उस कंट्री के आप जो है लाइव देख सकते हैं अगर वो कंट्री पब्लिक के लिए कैमरा लगाए हुए हैं तो। बहुत ही इजी तरीका से आप जो है हर कंट्री का लाइव देख सकते हैं कि कौन कंट्री कहाँ कैमरा लगाया हुआ है और उसका जो है आप बहुत ही आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से बताया हूँ कि किस तरीके से आप वर्ल्ड लाइव कैमरा को कैसे यूज करेंगे। सो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड लाइव कैमरा को इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से वर्ल्ड लाइव कैमरा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं या आप प्ले स्टोर से अर्थ कैमरा ऑनलाइन को आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि कनेक्टिंग हो रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्ल्ड कैमरा। यहाँ पे एग्री वाले पे क्लिक करके यहाँ वर्ल्ड लाइव कैमरा व्यू, यहाँ पर आप दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आपके जो कैमरा लगे हुए हैं जो कंट्री में, यहाँ पर अपने अपने जो भी कंट्री है वो जो अपना जो लाइव कैमरा लगाया हुआ है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको लाइव लिखा भी मिल रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दुनिया के जो भी कंट्री लगाए हुए हैं अपने अपने जो है कंट्री में मेन कैमरा जो अर्थ के ऊपर अपने जो कंट्री है उसके ऊपर, तो वो आप यहाँ से उसको एक्सेस आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पे जाके इस तरीके से यहाँ पे आप ऑल जो भी कंट्री है दुनिया भर में वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरीके से प्लेस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आप एयरपोर्ट एरिया बायस बीच बिल्डिंग यहाँ पे ढेर सारा आपको मिल जाता है जिसका भी आप यहाँ कैमरा देखना चाहते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ कंट्री वाइज पे क्लिक करके यहाँ कंट्री वाइज भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ मैप पे क्लिक कीजिएगा। मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैप में आपको जो कैमरे लगे हुए हैं जो जो कंट्री जो है कैमरा लगाया हुआ है पब्लिक के लिए वो सारे के सारे यहाँ पे देखिए कि आपको कैमरे यहाँ पे मिल जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा जो है कैमरा मिल जाता है जो जो देश लगाया हुआ जो जो कंट्री जो लगाए हुए हैं वो अपने कंट्री के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको कैमरा जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या इंडिया में लगा हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको जूम की आउट कीजिएगा और आप यहाँ पे इंडिया ढूंढ लें कि इंडिया कहाँ पर है। तो आपको ये इंडिया खोज के उस पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए इंडिया में यहाँ पे यहाँ एक कैमरा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि देखता हूँ कि क्या ये मतलब वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सर्च होने के बाद क्या मैं देखता हूँ यहाँ पे कि लोडिंग होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए कैमरा जो है नो कैमरा अवेलेबल, मतलब ये कैमरा जो है इंडिया में नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे शो कर रहा लगा हुआ तो वर्क नहीं कर रहा होगा। मैं पाकिस्तान पर मैं देख लेता हूँ, इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या पाकिस्तान वाला कैमरा जो लगा हुआ वर्क करता है या नहीं। यहाँ पर देखिए कि नो कैमरा अवेलेबल, मतलब यहाँ भी जो लगा हुआ है वो भी नहीं काम कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर मैं एक है यहाँ पे काजिस्तान कुछ तक करके है, इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ कि क्या इसमें वर्क करता है या लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कि ये भी वर्क नहीं कर रहा है। इस तरीके से आपको जो हर कंट्री में जो भी कैमरा लगा हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी कंट्री का आप देखना चाहते हैं उसको आप एक्सेस करके यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ काजिस्तान है, इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं इसको देख लेता हूँ क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक कर चुका हूँ। क्लिक करने के बाद इसका अगर वर्क करता होगा तो ये शो करेगा, नहीं तो अगर ये भी नहीं अगर लगा है, अगर नहीं वर्क करता होगा तो उसी तरीके से बताएगा जिस तरीके से ये इंडिया पाकिस्तान जो को और एक और कंट्री था वो उसका बताया है। तो उसी तरीके से अगर नहीं वर्क करेगा तो यहाँ पर उसका जो है यहाँ लिखा के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी जो कंट्री है उसका जो है वर्ल्ड कैमरा जो लगाया हुआ है उसको आप अपने स्मार्टफोन से बहुत ही आसानी से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद देख लेते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको जो है कोई भी कंट्री का कैमरा जो लगा हुआ है उसको आप बहुत ही आसानी से आप अपने स्मार्टफोन से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लोडिंग है, यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये आ चुका है और इस तरीके से यहाँ पे आपको शो कर देता है। और यहाँ पर देखिए कि जो है काजिस्तान जो है वो अपने जो है कंट्री उसके ऊपर जो कैमरा लगाया हुआ है पब्लिक के लिए वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ व्यू मोड पे जाके इसको और भी देख सकते हैं, जो जहाँ जहाँ भी लगा हुआ है उस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप इस पर क्लिक करके इस कैमरा को आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर प्ले वाले पर क्लिक कर लीजिए तो इसको प्ले करके इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। और ये सब जो है आपके नेट पे डिपेंड करता है कि आपका जो नेट है कितना फास्ट में यहाँ पे वर्क करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको प्ले कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए यहाँ प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये चलना स्टार्ट हो चुका है और ये आपका एकदम लाइव और एक्यूरेट दिखा रहा है। यहाँ पर आपको देखिए ऊपर में देखिएगा यहाँ पर आपको टाइमिंग भी चल रहा है और यहाँ पर टाइम जो अभी का है वो अभी का टाइम चल रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी कंट्री के कैमरा है उसको बहुत ही आसानी से आप अपने स्मार्टफोन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के यहाँ रीजनल वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इस तरीके से जो भी कंट्री लगाए हुए हैं कैमरा उसको अब यहाँ व्यू वाले पे क्लिक करके उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए कि जो कंट्री लगाया हुआ है वो वहाँ यहाँ पर आपको यहाँ शो कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको देख भी सकता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको आप प्ले कीजिएगा। प्ले करने के बाद आप इसको आप बहुत ही आराम से अपने स्मार्टफोन पर उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्ले कर लेना है। प्ले करते ही यहाँ पे आपको उसी तरीके से जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाया हूँ कंट्री का, तो यहाँ पे आप उसको बहुत ही आसानी से उसको आप जो अपने स्मार्टफोन पे उसको देख सकते हैं। तो जो गाइस जो कंट्री लगाया हुआ है जो अपने वो कंट्री के ऊपर जो है कैमरा पब्लिक के लिए वो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन से उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि चलना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर अभी नाइट है, रखता रात है और इंडिया में अभी दिन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ में से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ से मैं बैक आता हूँ। तो इस तरीके से गैज आप बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर यहाँ पे जितने दुनिया भर के कैमरे हैं स्टेट में लगे हुए सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑल कैमरा है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी चूज कर सकते हैं, जैसे वहाँ बिल्डिंग का हो गया, ब्रिज का हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट का हो गया, एरिया इस तरीके से आपका आ जाता है। यहाँ पे कंट्री वाइज भी इसको आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्री वाइज आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे जाने के बाद अर्थ मैप है, जो अपने अर्थ पे लगाया हुआ है कैमरा वो आपको सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर देता है अर्थ वाइज। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आपको अर्थ वाइज भी आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था अर्थ वाइज। यहाँ पर देखिए सारे के सारे कैमरे आ चुके हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई फेवरेट हो गया यहाँ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोर ऐप्स है, इस पर आप मोर ऐप्स पे आकर इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि अर्थ कैमरा ऑनलाइन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। मैं यहाँ पे ऑल कैमरा वाले पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल कैमरा को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते। चलिए मैं इसको क्लिक करके आप मैं इसको दिखा देता हूँ। ओपन करके यहाँ प्ले वाले पे क्लिक कीजिएगा।
क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से फिर ऑप्शन आपको ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ प्ले कर लेना है। प्ले करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ये स्टार्टिंग आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आपको प्ले कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये गाड़ी जो है यहाँ चलना स्टार्ट हो चुका है। और आपको जो है कैमरा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो कर रहा है, यहाँ पर आपको CCTV कैमरा। तो इस तरीके से गाइस आप बहुत ही आसानी से है ना आप देख सकते हैं CCTV कैमरा। अभी वो ऑनलाइन देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। यहाँ देखिए आपको लाइव यहाँ पर शो का हो रहा है, और यहाँ पर इसको वोटिंग मिला है, वो भी आप इसका यहाँ पे वोट देख सकते हैं। सो गाइस इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से दुनिया भर में और जो जो कंट्री जो है अपने ऊपर जो भी कैमरा लगाए हुए हैं उसको आप बहुत ही आसानी से यहाँ देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे ऑल कंट्री का मिल जाता है, मैप मिल जाता है, रीजन, कंट्री, प्लेस, ऑल कि इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी कंट्री का ये कैमरा आप जो पब्लिक के लिए ओपन है उसको भी देख सकते हैं। और कौन कौन जो देश लगाए हुआ है अपने ऊपर कैमरा जो लगाया हुआ है वो कैमरा को भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो गाइस ये जो है आप अपने स्मार्टफोन से बहुत ही आसानी से उसको आप देख सकते हैं और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस अब तो आप सीख ही लिए होंगे किस तरीके से वर्ल्ड लाइव कैमरा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।